सेल्स एंड मार्केटिंग, ये दोनों टर्म आपने अपने लाइफ में बहुत बार सुने होंगे। और जो ये दोनों टर्म है, ये बिजनेस के टर्म है। सेल्स एंड मार्केटिंग सुनने में काफ़ी क्लासी लगता है ना। मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअली सेल्स होता क्या है, एक्चुअली मार्केटिंग होता क्या है, और इन दोनों चीज़ों का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कोई बिजनेस हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कोई बिजनेस हो, अंबानी का, अदानी का, कोई बिजनेस हो, सेल्स एंड मार्केटिंग की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर, और ये दोनों टर्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं बिजनेस में। तो आपको इस वीडियो में आज ये सारे चीज़ें जानने को मिलने वाली है। सो ही गाइज, माई नेम इज सिड, यू ऑलरेडी नो माई नेम एंड वेलकम है आपका इस वीडियो में। सो इस वीडियो कंप्लीट देखो, आपको डेफिनेटली काफ़ी सारी वैल्यू मिलने वाली है। और चलो बिना देरी करते हम स्टार्ट करते हैं। सी, सेल्स एक्चुअली है क्या? सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स एक एक्टिविटी है। सेल्स का मतलब है कि आप कोई कमोडिटी या फिर आप वैल्यू को एक्सचेंज कर रहे हो किससे? मनी से। सेल्स क्या है? सेल्स है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू विद मनी। सेल्स एक्सचेंज ऑफ वैल्यू विद मनी। लेट्स सी, मैं जिस कैमरे में या फिर जिस फोन में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने ये फोन परचेस किया है दुकान से, सिंपल मैंने उसको पैसे दिए, उस बंदे ने मुझे ये फोन दे दिया। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पैसे दिए उसको, उसने मुझे क्या दे दिया, वैल्यू दे दिया, मतलब फोन दे दिया। ठीक है, वैल्यू दिया इन टर्म ऑफ लाइक व्हाट इज फिजिकल प्रोडक्ट, तो उसने क्या कर दिया, मुझे वो चीज़ दे दिया। यहाँ पे क्या हुई, सेलिंग हुई। तो सेल्स का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू विद मनी। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग का मतलब होता है स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग क्या होता है, स्ट्रैटेजी। सेल्स एक एक्टिविटी होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। मार्केटिंग के जरिए लोग, जो कोई कंपनी होती है, वो कस्टमर को एक्वायर करती है। ठीक है, मतलब कस्टमर को लेके आती है, वो तरह से ब्रांड अवेयरनेस करती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे, आप लोग सही तरह से समझ जाओगे। और जो दूसरी चीज़ होती है, बता दूँ आपको, सेल्स जो होता है वो लॉजिकल होता है, और जो मार्केटिंग होता है वो आपका इमोशनल होता है। मार्केटिंग इमोशनल, ये कैसे? अच्छा, आपने बहुत बार ऐड देखा होगा टीवी पर, अमूल दूध पीता है इंडिया, या फिर आपने देखा होगा टीवी पर ऐड कैडबरी का, जब आपका रक्षाबंधन आने वाला होता है। तो आप एक बात बताओ, वहां पे वो भाई बहन को बीच में क्यों लेकर आ जाते हैं? वहां पे वो डायरेक्टली दिखाते ना चॉकलेट। सी गाइस, मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अपने मैसेज को अपने कस्टमर्स तक किस तरीके से पहुंचा रहे हो। अगर आप अपने मैसेज को कस्टमर तक इमोशनली पहुंचा रहे हो, दिल तक छूता है भाई वो चीज़ तो, ठीक है। और जब वो चीज़ दिल तक छूती है, देन डेफिनेटली कस्टमर पे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए कोई त्यौहार आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि किसी फैमिली वाले को लेकर आते हैं, या फिर कुछ मीठा हो जाए, वहाँ पे क्या, वो एक टर्म लेकर आ जाते हैं और वहाँ पे हमें इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं। तो मार्केटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अपना मैसेज कैसे अपने कस्टमर तक पहुँचा रहे हो, अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुँचा रहे हो। और जो मार्केटिंग होती है वो इमोशनली होती है। और हम बात करते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग की वजह से बिजनेस की ग्रोथ पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है। सी, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे गाइस। अब मेरे साथ है भाई एक्टिविटी करना, वो क्या है, ये क्या है आपका मार्केटिंग है, ये क्या है, ऐसे करो, फोन को दूर रख दो और ऐसे करो, ये क्या है एक पाइपलाइन है, और ये क्या है एक मार्केटिंग है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी रिसेंटली सीखा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है एक पाइपलाइन है, और यहाँ पे क्या है एक मार्केटिंग है, यहाँ पे क्या है सेल्स है। अंडरस्टैंड करो दोबारा से, ये क्या है मार्केटिंग, ये क्या है सेल्स, ये क्या है पाइपलाइन। तो मार्केटिंग क्या करती है, मार्केटिंग करती है कस्टमर को एक्वायर करती है, लोगों को लाकर इस पाइपलाइन में डालती है, वो कस्टमर तक लाइक अपनी ब्रांड अवेयरनेस करती है, वो कस्टमर तक अपना मैसेज पहुंचाती है मार्केटिंग। ठीक है, और फिर वहां से लेकर उनको पाइपलाइन में लेकर आती है, वो बिजनेस पाइपलाइन में। और जो ये सेल्स है, ये करता है, ये सेल्स यहां से इस पाइपलाइन से लोगों को निकाल कर सेल करता है और क्लोज करता है। ये पाइपलाइन से लोगों को निकाल कर सेल करता है और क्लोज करता है। मार्केटिंग क्या करता है, लोगों को एक्वायर करता है, पाइपलाइन में लेकर आता है, और ये सेल्स है इस पाइपलाइन से लोगों को निकाल कर सेल करता है और क्लोज करता है। दैट्स इट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ऑसम लगा है तो प्लीज़ कमेंट में टाइप कर देना ऑसम लगा कंटेंट। ठीक है, तो गाइस बेसिकली अंडरस्टैंड करो, मार्केटिंग और सेल्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सबसे बड़ी गलती जो हर एक कॉरपोरेट है, फिर बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं, वो क्या करते हैं, जब आपकी सेल्स आना चालू हो जाती है, वो लोग मार्केटिंग कम कर देते हैं। जब वो लोग मार्केटिंग कर देते हैं, सेल्स ऑटोमेटिक कम हो जाती है। सेल्स ऑटोमेटिक कम होती है, मार्केटिंग और कम हो जाती है। जब मार्केटिंग कम होती है, सेल्स कम हो जाती है। जब सेल्स कम होती है, लोग मार्केटिंग और कम कर देते हैं। फिर इस तरीके से आपका बिजनेस कोलैप्स होता है। कोई भी अगर बिजनेस रन हो रहा है, तो वो बिजनेस रन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग की वजह से। सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं बैक एंड से मार्केटिंग सही तरीके से काम कर रही है, और मार्केटिंग भी इंक्रीज हो रही है, तभी आपके सेल्स इंक्रीज हो रही है। सेल्स डाउन हो रही है, कहीं ना कहीं मार्केटिंग ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। मार्केटिंग डाउन हो रही है, इसलिए सेल्स भी डाउन होती रहती है। सो हमेशा याद रखो, अगर कोई कंपनी, कोई बिजनेस अगर अपने प्रोडक्ट का, अपने बारे में वो ब्रांड अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं, या अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं कर रहे लोगों को, तो कहीं ना कहीं उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा
डाउन होने लगती है और वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपका बिजनेस कोलैप्स जाएगा या फिर आपका जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। एंड सी, जो बिजनेस रन होता है वो टोटली सेल्स पे रन होता है। सो गाइस, सेल्स एंड मार्केटिंग ये चीज़ें होती हैं, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप आखिर में एक चीज़ अंडरस्टैंड दोबारा कर लो गाइस कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर तक क्या मैसेज पहुंचा रहे हो। सिंपल ये मार्केटिंग का मतलब होता है। सेल्स का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू विद मनी। ऑलराइट गाइस, सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो दूसरे लोगों के साथ, एंड लाइक करो, कमेंट करो, एंड गाइस यार वो बेल आइकन दबा देना, ठीक है, ताकि आपको अगर मैं कोई और वैल्यूबल वीडियो नेक्स्ट टाइम से अपलोड करूँ ताकि वो सारी वीडियो आपके पास तक आ पहुँचे। ऑलराइट गाइस, सो अभी मेरा 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। आई गेस मेरे कंप्लीट हो गए होंगे जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस स्टैंड ऑफ टाइम पे। सो गाइस, जल्दी से इसको 2000 भी कर दो, 3000 भी कर दो। अगर मेरे पास मैं और कॉन्टेंट ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे कॉन्टेंट लाऊंगा। अभी तो मैं सेल्स के ऊपर और कॉन्टेंट डीपली में लेकर रहूँगा जिससे आप लोगों को और मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, कमेंट करना मत भूलना, ऑसम लगा कॉन्टेंट। ऑलराइट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।